इजराइल किसी के दबाव में नहीं आने वाला। इजराइल किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाला। इजराइल का राष्ट्रवादी प्रण भयानक होगा रण। इस वक्त दुनिया के कई देशों की त्योरियां इजराइल के प्रधानमंत्री पर चढ़ी हुई है। 5 अक्टूबर को अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लगी इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में इजराइल के प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल बताया गया है। उन पर लेबनान और गाजा में बेरहमी का आरोप लगाया गया है और इसी आधार पर दुनिया के कई देश बेन्यामिन नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि उनके ऊपर किसी दबाव का कोई असर नहीं होने वाला, यानी जब तक इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाएगा तब तक नहीं रुकने वाला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी बातचीत के दौरान नेतन्याहू की तरफ से कहा गया, हम एक तरफा युद्ध विराम के खिलाफ हैं क्योंकि इससे लेबनान की सुरक्षा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि यह स्थिति पहले जैसी ही हो जाएगी। इतना ही नहीं, इजराइल ये भी कह चुका है कि वो युद्ध के मसले पर अमेरिका की राय तो सुनेगा लेकिन फैसला राष्ट्रीय हित के आधार पर लेगा। हम संयुक्त राज्य अमेरिका की